यहाँ पर जो आज टॉपिक टच होने वाला है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माई लाइफ एंड आई मीन इट। ये मैं अपने किसी सेशन में नहीं बोला आज तक, आज बोल रहा हूँ पहली बार। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर एवरीबडी। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल में है, कॉलेज में है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे? स्टूडेंट्स की लाइफ की दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम टच करने वाले हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड, उन सबको इन दो प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहली प्रॉब्लम यह है कि हम जाने या अनजाने गलत ट्रैक पे चलने लग जाते हैं। गलत ट्रैक क्या है? बहुत ही सिंपल है, सिगरेट, शराब, नशा, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वहां से ले करके एडिक्शन टू व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सब क्या है? सब गलत ट्रैक है। अब यहां पे ध्यान से समझना जो चीज मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है, इससे जो हमारी एडिक्शन है, जो हमको लत पड़ती जा रही है कि एक मिनट के लिए भी चाह करके भी हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। यह है गलत ट्रैक। एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है। मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाए तो। लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है, तो बड़ा भयानक टूल है। खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे। जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा, और यही हो भी रहा है आज की डेट में। अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा, चलो एक बार देख लूं मोबाइल पे क्या है रहा है। एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस हैं। ये हो गया गलत ट्रैक। सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है। वो क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है इस पॉइंट पे? पढ़ना, पढ़ाई करना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी आप क्या करोगे छोड़ करके? हवाई बड़े बड़े प्लान्स आप बना सकते हो, हवाई महल खड़े कर सकते हो, मान लिया वो कर भी सकते हो, लेकिन अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तो नहीं कर सकते ना। अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते, अभी तो जॉब नहीं कर सकते, अभी तो जाकर के हीरो नहीं बन सकते, तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना, बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे? क्या गारंटी है? तो ये है सही ट्रैक। सही ट्रैक क्या है कि एक बार एक डिसीजन ले लिया, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है। तो अब ये चीज कैसे होगी? दो सॉल्यूशंस है, एक है सुपरफिशियल लेवल पे, सरफेस लेवल पे, मतलब कि ऊपर ऊपर की बातें। मैं आपको बता दूं यहां पर बैठ करके कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता, मैं आपको तरीके बता देता हूं कि कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे तरीके, हजारों तरीके हैं कि ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे आप म्यूज़िक ऑन कर लो, म्यूज़िक सुनते रहो, अपने मोबाइल को ऑफ करके कहीं पर रख दो, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, ये करो वो करो। आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपको ऐसे 1000 नुस्खे मिल जाएंगे, 1000 ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पर आकर के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऐसे नुस्खे ढूंढना चाहता है वो ढूंढ लेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चाहता है ये जानना कि पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए, तो 1000 रास्ते हैं। गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी। उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी। लेकिन यह भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। जड़ यह है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए? अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। ये जड़ है प्रॉब्लम की कि किसी तरह से नहीं। अगर आपको पार्क में जाकर के खेलना है तो उसके लिए किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। आप जाओगे जाकर के पार्क में खेलोगे? फेसबुक के ऊपर बैठ करके टाइम पास करना है उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? मुझे जरूरत है आकर के बोलने की कि प्लीज अपना फेसबुक पर टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखो, व्हाट्सएप पे बैठा करो ना, बैठते क्यों नहीं हो?
अपने दोस्तों के पास जाया करो, दो चार पैग लगाया करो, हाँ सुट्टे मारा करो, ये सब बोलने की जरूरत है? समझो exactly. जड़ तक जाना है, ऊपर ऊपर लेवल पे काम नहीं करना। सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो। आप कहो नहीं मैं तो पढ़ूंगा, आने तो मेरे सामने कौन आ रहा है, उसको देख लूंगा, देखता हूं मेरे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था, आप पढ़ लिए, उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया, बिजनेस करना है बिजनेस में 100% डाल दिया, एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया ना, तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करोगे, पूरे तरीके से करोगे। अब कैसे करना है, ये प्यार कैसे आएगा? हाँ ये प्यार कैसे आएगा बता रहा हूं, प्यार में थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अब क्या है इसका सलूशन? बहुत आसान है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं, इतना बेस इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मैं एक लाइन में बोलने वाला हूं उसको तो मैं सेशन के शुरू में भी बोल सकता था और बोल करके खत्म कर सकता था, लेकिन होगा क्या कि अब इतना सुनने के बाद में अब आपके अंदर से आ गया ना, सबके अंदर से आवाज आ रही, अरे बोलना बोल क्यों नहीं रहा, क्यों घुमा रहा है गोल गोल। तो अभी आपके अंदर से आ रहा है कि बोलना, तो अब होगा क्या कि मैं बोलूंगा एक ही लाइन में, बोलने वाला हूं वैसे कुछ सेकंड्स में, हाँ ध्यान से सुनना, बोलूंगा एक ही लाइन में लेकिन आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाओगे, पूरी तरह से अवेयर हो जाओगे, आप सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। नहीं तो क्या होता अगर मैं ये सब नहीं करता और वैसे ही बोल देता, आप कहते हाँ सुन लिया, समझ आ गया, बात खत्म, दी एंड। आप यहां से निकलोगे फिर जाकर के कोई नया नुस्खा ढूंढने की कोशिश करोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है ये बात तो समझ आ गई, चल अब कुछ और देखते हैं, अब कुछ और करते हैं। ऐसे ही होता है कि जो बात समझ आ गई उसके बाद में हमने कहा उसमें क्या काम करना है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बता ही देता हूँ नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी, हमें लोग बौखला जाएंगे वहां से उठ करके आएगा, अब बोलना तेरी तो आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या हैं? ना पढ़ने की, एक नई आदत डालनी पड़ेगी वो है पढ़ने की, उसके लिए कोई वजह तो चाहिए और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है, एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए, वजह क्यों चाहिए? आप इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो और खो गए हो, रास्ता भूल गए, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़प रहे होगा ना, इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, कि दो दिन हो गए हैं आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, चले जा रहे हो, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है और मरने लायक हालत है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी, कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए, सिर्फ एक बूंद मिल जाए कहीं से पानी की, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, बुरी हालत हुई पड़ी है, उस वक्त आप क्या करोगे, क्या पियोगे? टॉयलेट पियेंगे, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, जो भी लोगों के साथ में ये चीज हुई है उनके एक्सपीरियंसेस जाकर के आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम वेस्ट समझते हैं वो भी एक एक बूंद उसकी भी कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई अभी सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। अभी कोई यहां से बाहर जाकर के अपना टॉयलेट पिएगा? कोई है तैयार है? एनीबडी? कोई नहीं, क्यों?
कोई वजह ही नहीं है. देयर इज नो रीजन. क्यों पिए भाई, मैं पागल हूं क्या? हाँ, मैं पागल हूं जाकर के जबरदस्ती अपना टॉयलेट पीऊं. लेकिन अगर वो वजह बड़ी हो तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे. सारा खेल वजह का है, पर्पस का है. उस वक्त आपके दिमाग में क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? यस और नो? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. आपका सिर्फ एक गोल होगा, वो होगा पानी और कुछ भी नहीं. इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए. बर्निंग डिजायर क्यों? क्योंकि रियलिटी क्या है? पहले हमको रियलिटी को समझना है. हम रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. रियलिटी क्या है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो ज्यादातर जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको 5 ही पसंद नहीं होंगे. रियलिटी है. यस और नो? देख लो कितने सारे लोग की आवाजें आई है. ज्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जिनको उन 5 में से 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे. कुछ लोग, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको 5 अच्छे लगते होंगे. तो खेल क्या है? खेल क्या है कि जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें मजा आता है, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें तो आप मार्क्स ले आओगे. लेकिन बाकी के वो सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो टॉर्चर लगते हैं, उसमें मार्क्स कैसे लाओगे? उसको पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा. तो आप क्या करोगे? आप बहाने बनाओगे. अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे. डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है. लेकिन रियलिटी क्या है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो. कितना खतरनाक है देखो. क्या करोगे? है कोई और ऑप्शन? अगर 5 में से आप 2 में टॉप कर गए और 3 में फेल हो गए तो क्या होगा? बार फेल, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही. तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? सोचो, थिंक अबाउट इट. मैं आज माइंड की बहुत ही गहराई में जाने वाला हूं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर आकर के हावी हो जाता है और हमसे वो करवाता है जो हमें पता है कि हमारे लिए करना गलत है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं और खुद फंसते चले जाते हैं. और एक दिन जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तब बहुत देर हो जाती है. उससे हम चाह करके भी बाहर नहीं आ पाते. वो एडिक्शंस हमको इस तरीके से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं कि हम फंस जाते हैं. उसको सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है. हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्यूटली प्लेजर के लिए. और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए, कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता रहे. इसको रिलेट करते जाना पढ़ाई से, जो मैं चीज बोल रहा हूं कि आपके पास में 2 ऑप्शंस है. एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है. तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा. लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके. नो पेन नो गेन. इट्स अ पैराडॉक्स. एक पूरा का पूरा जाल है. इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है. एक भूल भुलैया है ये. आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है. करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है. और जो अच्छा नहीं है, मजा सब उसी में है. हमारा ये जो माइंड है ना, ये घोड़े के जैसा है. इमेजिन करो, एक घोड़ा है, बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि वो उठा करके 10 लोगों को इधर उधर फेंक दे. इतनी पावर है उसके अंदर.
और आपको जबरदस्ती बिठा दिया गया है उस घोड़े के ऊपर, वो क्या है? आपका माइंड। और वो घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, उसका जहां मन कर रहा है वहां जा रहा है, ये आपका माइंड है। घोड़े से रिलेट करना मतलब वो जहां जा रहा है, जहां उसका मन कर रहा है वहां भाग रहा है। कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी टक्कर मारी, कभी जा करके खाई में गिर गया, कभी यहां कभी वहां, और आप बैठ करके चीखे जा रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए? लगाम चाहिए, अपना माइंड विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक लगाम चाहिए। नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा आपकी जिंदगी को, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर आप आंख खोल के देखोगे तो आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो जा रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में, जिनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हम करते क्या जा रहे हैं। धसते ही जा रहे हैं नीचे, धसते ही जा रहे हैं, ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और एक दिन इतनी देर हो जाती है कि वो चाह करके भी नहीं उठ पाते। तो हो क्या रहा है? आपको लगाम चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो लगाम क्या है? उसको आप वजह कहो, उसको आप बर्निंग डिजायर कहो किसी काम को करने का। जैसे ही कोई वजह आई जीने की, वजह आई उस काम को करने की, तो माइंड अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठी करके उस एक डायरेक्शन में लगा देगा। तो जुनून चाहिए, कोई फितूर चाहिए, अंदर से चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप ही दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड की। इंटेलिजेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? आप कमिटमेंट कर सकते हो, आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि ये वजह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा हर हाल में। कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से। एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं जिनके पास में कोई वजह ही नहीं है उस काम को करने की। दे डोंट हैव अ रीजन टू डू इट, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग एक्सक्यूजेस। और उनको गलतफहमी ये हो गई, वो एक्सक्यूज किसी और को दे रहे हैं, वो खुद को ही दे रहे हैं एक्सक्यूजेस। जिंदगी उनकी खराब हो रही है एक्सक्यूजेस दे दे करके, उनकी आदत पड़ती जा रही है हर चीज में एक्सक्यूज देने की। ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़ ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़। मान लिया हजार वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो? You need a strong reason, you need a burning desire. भयानक डिजायर चाहिए अंदर से, वो आपको खींचेगा, वो आपके घोड़े को एक डायरेक्शन देगा। नहीं तो भागता रहेगा इधर उधर, आपको कुछ ही नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लगाम लगाएगा, वो आपकी वजह होगी जिसके बेस पे गोल सेटिंग होगी। लोग बात करते हैं गोल सेटिंग। क्या गोल सेटिंग? उठा करके कोई भी गोल सेटिंग करती जो अंदर से खोखला है, उसके पीछे क्या बर्निंग डिजायर है या नहीं है? कोई पर्पस है या नहीं है? तो पर्पस क्या है? एब्सोल्यूटली सिंपल, दो चॉइसेस हैं आपके पास में। एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, यह आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी, और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो, ये करो, वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी माँ के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में, मुझसे लिखवा करके रख लो। अब मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे अंदर से ये कैसे आया और कब आया और उसकी वजह से आज क्या हो रहा है। 11th तक मैं एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट था, मतलब हार्डली कभी 50% आ गए, 60% आ गए, कभी कभी कंपार्टमेंट आ गई, इतना बुरा हाल था मेरा पढ़ाई में, बहुत बुरी हालत। हुआ क्या, 10th में मैंने एक जिम ज्वाइन किया, और उसको ज्वाइन करने के बाद में
वहाँ पर मेरा कुछ एक थोड़ा ऐसा फ्रेंड सर्कल बन गया जो लोग गलत ट्रैक पे थे। गलत ट्रैक और सही ट्रैक मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है। मतलब जिम किया, जिम के बाद में बैठे हुए हैं 3-4 घंटे के लिए, सिगरेट पे सिगरेट जल रही है, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स की बातें, कभी यहाँ की बातें, कभी वहाँ की बातें, ये हो मतलब टाइम पास कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। 10th में मैं ऑलमोस्ट चेन स्मोकर बन गया था। दिन की 8-8 सिगरेट, 10 सिगरेट, 15 सिगरेट, 20 सिगरेट, ये हालत हो गई थी। और उसके बाद मैं 12th में, मुझे याद है एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ में खड़ा हुआ था एक पान की दुकान पे। एक खुफिया सी पान की दुकान होती थी घर के साइड में जा करके, कोई देख ना ले। आप लोगों के भी ऐसे अड्डे होंगे। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, मैं भी आप ही के जैसी सिचुएशन में से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हुआ क्या कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था वो पान की दुकान पे, और बातें चल रही थी इधर उधर की। तो वैसे ही मेरे अंदर से पता नहीं क्या आया, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई और बता आगे का तेरा क्या प्लान है यार, क्या करना है आगे। तो बोला ये करना क्या है यार, 4-5 साल ऐश करेंगे, 12th है अपना जो है, थोड़ा बहुत नंबर नंबर ला के किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐश करेंगे 4-5 साल, उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा कुछ करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जा करके अपने पापा के ऑफिस में बैठ जाऊँगा। ये उस बंदे की वर्डिंग थी। उसने इतनी सी बात कही और मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, ना तो मेरे बाप का कोई बिजनेस है ना उनके पास में इतना पैसा है कि वो मुझे पैसा दें और मैं जा करके अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मुझे को मेरे को नौकरी मिल जाए। मतलब पढ़ाई में भी गया गुजरा हूं तो नौकरी भी नहीं मिली, तो अब करूंगा क्या। तो वहां पर मेरे को बड़ी भयानक टेंशन हुई। सिगरेट को लिया, बुझाया, दोस्त ने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा मूड नहीं है, बाद में बात करता हूँ। सिगरेट को बुझाया और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद में मैं घर आया, घर आकर के 2-3 दिन तक बैठा रहा अकेले में कमरे में। मम्मी आ रही, पूछ रही, कहती बेटा क्या हुआ है क्या हुआ है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ, क्या हुआ है बता तो सही। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैं करूँगा क्या, क्या करूँगा, सड़क पर जाकर के भीख मांगूंगा, या इस दोस्त के साथ ही घूमता रहूँगा, या जिंदगी भर पान की दुकान पर खड़ा रहूँगा, या इसके साथ में, इसके बाप के पास में तो पैसा है, इसके साथ में इसकी गाड़ी में घूमता रहूँगा, क्या करूँगा, ये भी एक दिन उठा करके मेरे को लात मार देगा, फिर कहाँ जाऊँगा, ये भी कब तक खिलाएगा मेरे को, क्या ये खिलाएगा मेरी फैमिली को, कौन खिलाएगा, क्या करूंगा भाई। कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। 3 दिन तक सोचता रहा टेंशन में। उसके बाद में एक मोमेंट था जब मेरे अंदर से आया कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो संदीप तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है। मतलब ऐसी अंदर से एक आवाज आने लग गई कि कुछ करना है, ये नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा आगे अंदर से कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो रास्ते अपने आप खुलने लग गए। जब तक ये नहीं आया था सारे रास्ते बंद थे। कोशिश करता था पढ़ाई की, कोशिश करता था पढ़ने की, बेकार। कोशिश करता था सिगरेट छोड़ने की, बेकार। कोशिश करता था अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए दूर रहने की, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। कोशिश करता था आवारागर्दी थोड़ी कम करूं, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। लेकिन जैसे ही अंदर से ये आया वो सब तो छूट गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि करूं क्या। वहां पर अभी भी अटका हुआ था, लेकिन इंटेलिजेंस बीच में आ चुकी थी। और हमारे अंदर इंटेलिजेंस का भंडार है पूरा का पूरा, हम उसको यूज नहीं करते हैं। हर एक के अंदर है, ऐसा नहीं है मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। बस रुक करके हमारे अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो जवाब मिलने लग गया कि अब मुझे लग करके पढ़ाई करनी है, किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और जॉब करनी है, अच्छी से अच्छी जगह पर जॉब करनी है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अगर ये नहीं किया तो क्या, पढ़ाई नहीं करी तो क्या, उसके बाद में कहां नौकरी मिलेगी, क्या होगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। बिजनेस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था माइंड के अंदर, और अच्छा है नहीं था, क्योंकि अगर वो बिजनेस का ऑप्शन होता तो मैं पढ़ाई छोड़ देता। कहता छोड़ो, अभी छोड़ो ना, कल क्या छोड़नी है, अभी छोड़ दो। 12th में ही पढ़ाई छोड़ देता और बिजनेस में चला जाता और फेल हो जाता।
बिजनेस किया नहीं जाता, बिजनेस हो जाता है। जैसे प्यार है ना, सुना है आपने? प्यार के जैसा है बिजनेस। प्यार में और बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर आपको किसी इंसान से प्यार है, यहां पर अपने काम से प्यार है। इसको बोलते हैं बिजनेस, ना कि पैसे से प्यार है। पैसे से प्यार की वजह से बहुत लोग बिजनेस करते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा बिजनेस में, बहुत आएगा, लेकिन तब आएगा जब काम तरीके से होगा, काम से प्यार होगा। ये खेल अभी सिंपल सा फंडा ये आ गया क्लियर कि मुझे आज कल चाहे जो भी करना हो, आने वाले 2 साल बाद 4 साल बाद, अभी ट्वेल्थ है ना, तो मुझे लग करके पढ़ना है। माइंड क्लियर हो गया? माइंड में से इफ और बट सारे निकल गए। वो सनी देओल का आपने एक डायलॉग सुना होगा, नो इफ नो बट ओनली जट। तो ऐसे ही मेरे माइंड में से सारे इफ बट निकल गए कि आपको इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आइडिया आएगा नहीं आएगा, कुछ करूंगा नहीं करूंगा, अभी तो पढ़ना है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ट्वेल्थ में डेली दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने लगा। पढ़ता रहा बैठ करके, दिन में रात में पढ़ता रहा। बोर्ड्स के एग्जाम्स हो गए, ट्वेल्थ में मेरे आए 85%। मेरे अपने स्कूल में 4th या 5th रैंक आई थी। उस टाइम पे परसेंटेजेस इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, अब तो 95, 98, 99% भी कॉमन हो गया है। अब अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या है, कि अगर मैं 12th में बैठ करके सोचता रहता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो क्या होता? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो होना है वो हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो मैं कहीं पर भी स्टक नहीं हुआ अपनी लाइफ में, अटका नहीं, करा किसी काम को कुछ सोच करके, हुआ कुछ और, उसमें से निकला कुछ और, किया कुछ और, बना कुछ और। मेरी इंस्पिरेशन क्या है, वो ही जो उस समय आई थी 12th स्टैंडर्ड में, वो क्या थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। और आज उस बात को करीबन 18 साल हो गए हैं, ये अभी तक गई नहीं है, ही नहीं। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी सब मर जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती, वो अंदर से चलती ही रहती है। और आप लोगों को मेरे सेशंस देख करके बातों को रटना नहीं है, बातों को याद नहीं करना, ना याद रखना है, सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है, अपने अंदर से उस इंस्पिरेशन को जगाना है। और इंस्पिरेशन क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो, एक लाइन में, कि मुझे कुछ करना है, बस। अगर किसी इंसान की लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, अंदर से कुछ करने का जज्बा नहीं है, इस दुनिया को बदलने का जज्बा नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा नहीं है, कुछ ढंग का करने का जज्बा नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो गलत ट्रैक पे चलेगा ही चलेगा, गारंटीड चलेगा ही चलेगा। चाहे अपने गोल को अचीव करने के बाद चले, या बिना गोल को अचीव करे ही चलने लग जाए, लेकिन वो चलेगा ही चलेगा। अभी गलत ट्रैक क्या है, देखो पकड़ो, गलत ट्रैक है मजा, टेम्पररी प्लेजर, जिन चीजों से हमको मिलता है जो आगे जाकर के परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है, मजा जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, अंधी हुई पड़ी है, वो है गलत ट्रैक। जो भी आदमी अपने रास्ते से भटक गया है, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी, एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत पैसा कमाना था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या करूं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मजे के पीछे जाएगा, पैसा तो कमा लिया, मजे मारो। एक स्टूडेंट है जिसके पास में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है पढ़ने की, तो वो क्या करेगा, कहेगा छोड़ना, मजे मारो। वो मजे अपने आप ही उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, उसके माइंड में उसको पता भी नहीं लगेगा।
अभी मजा क्या है एक बार इसको देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला मजा है नशा, कभी भी देख लो आप उठा करके। जिसके पास में जीने की कोई वजह ही नहीं है वो क्या कहेगा कि यार छोड़ना बड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी देर के लिए सब भूल करके दो चार लगा लो, आना ही आना है। और मैं ये नहीं कह रहा, अब यहां पे कोई थियोरेटिकल बातें नहीं हो रही कि शराब में कोई मजा नहीं है। अरे भाई बहुत मजा है, बहुत मजा है, और नहीं होता तो इतनी बोतलें कैसे बिकती। सोचो मजा है, लेकिन ये मजा हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें अंदर से खोखला करने वाला है, हमें बर्बाद करने वाला है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं हुआ तो ये मजा आपको अपनी तरफ आज नहीं तो कल खींच लेगा। पर्पस नहीं हुआ तो गोल हुआ, गोल अचीव किया तो दारू, नहीं किया तो दारू। होता है नहीं होता है, सोचो कितना खतरनाक है ये पूरा का पूरा जाल, इसे कैसे निकलेंगे। बिना किसी पर्पस के निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बिना पर्पस के डिसीजन नहीं आता लाइफ के अंदर, कमिटमेंट नहीं आता। जिसके पास में कुछ जीने की वजह नहीं है, कुछ करने की वजह नहीं है, वो अपने आप से कमिटमेंट क्या करेगा कि मुझे ये काम करना है। जब तक वो कमिटमेंट नहीं करेगा उसकी माइंड की एनर्जीज क्या करेंगी, इधर उधर भटक जाएंगी, हजार जगह पे चली जाएंगी। कहां जाएंगी, वहीं जाएंगी जहां पर उसको मजा आता है, और कहीं जा ही नहीं सकती। जहां पर मजा नहीं आता, जिन चीजों में दर्द होता है उन चीजों को छोड़ती चली जाएगी। आपका माइंड जिन चीजों में दर्द होता है, जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई को माइंड छोड़ देगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को माइंड छोड़ देगा। कभी भी देख लेना, जो ज्यादा ड्रिंक करता है वो कभी भी एक्सरसाइज करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये सब रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, कोई इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। किसी किताब से पढ़ करके मैं ये सब बातें नहीं कर रहा, लाइफ को ऑब्जर्व करके ये सब बातें कर रहा हूं। जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, सच। चाहे किसी को कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम है सच बोलना। ये है एक, वो है नशा। और नशा सिर्फ सिगरेट का, शराब का या ड्रग्स का नहीं है, नशे बहुत तरीके के और भी हैं, जिसके ऊपर मैं भी आने वाला हूं। दूसरा कहां ध्यान जाएगा, एक जाएगा नशे के ऊपर, दूसरा मजा कौन सा है जिसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया भाग रही है, उसका ध्यान जाएगा सेक्सुअल प्लेजर्स की तरफ, सेक्स की तरफ। कुछ लोग मैं देख रहा हूं जो स्पेशली जो एज में थोड़े से ज्यादा है वो ऐसे हो गए मेरी ये बात सुन, अरे भाई ये क्या बोल दिया, SEX, ये वर्ड कहां से मुझसे बाहर आ गया। सेक्स में मजा है या नहीं है, शर्म नहीं आ रही पब्लिक में, यस। अरे बहुत मजा है, कौन कहता है मजा नहीं है, कौन कहता है मजा नहीं है। और अगर मजा नहीं होता तो हमारे देश की 125 करोड़ की आबादी कैसे होती। देखो लोग कर क्या रहे हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स की हिम्मत नहीं हो रही है बात बोलने की यहां पर, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जड़ क्या है प्रॉब्लम की, मैं वो समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूं, मैं कोई 50 साल पुराना आदमी नहीं हूं। अरे भाई मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूं कि साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो, टीचर्स कह रहे हैं पढ़ो, कोई ये नहीं बता रहा कि यहां से अपना ध्यान कैसे हटाए, कैसे हटाए। अब वो भी क्या बताएंगे, वो खुद अपना ध्यान नहीं हटा पाए वहां से। मुझे लग रहा है यहां पर कुछ पेरेंट्स थोड़ी देर में बगावत करने वाले हैं, भाई ये ज्यादा हो रहा है, हमारी संस्कृति में ये सब बातें अलाउड नहीं है, हमारे कल्चर में ये सब बातें फिट नहीं होती। कौन सा कल्चर, कौन सी संस्कृति, ध्यान से समझो क्या मैं बोलने वाला हूं। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चीज की, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कल्चर बनता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कल्चर जो बनता है
ट्रेडिशंस जो बनते हैं वो बनते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनती भाई। इस बात को हमको समझना है कि ये जो कल्चर बना था आज से 1000 साल पहले वो बिल्कुल परफेक्ट था उस 1000 साल पहले वाले टाइम के हिसाब से। आज के हिसाब से कैसे भाई, कैसे लगाओगे इन सब बातों को यहां पर, आज के टाइम में कैसे अप्लाई करोगे? जब सेक्स करने के लिए आज से अगर हम पीछे चले जाएं, मे बी 500 साल पीछे चले जाएं, तो अगर आप पेरेंट्स हो, आपको अपने बच्चों को इन सब गलत कामों में जाने से रोकना है, अगर इसको गलत कहें तो, हाँ, इन सब कामों में जाने से रोकना है, तो आप क्या कर सकते थे? उसके हाथ पैर बांध करके उसको कमरे में लॉक कर दो, और जब शादी की है जो उसकी फटाफट से शादी करा दो, या चाइल्ड मैरिज करा दो ना, जरूरत ही क्या है, आगे बढ़ने ही मत दो उसको, फटाफट से चाइल्ड मैरिज, 5-6 साल का है, चाइल्ड मैरिज कराओ, काम खत्म। उस टाइम के हिसाब से वो ठीक था, आज आप कैसे रोकोगे? और मैं सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स उनकी बात नहीं कर रहा जो फिजिकल लेवल पे है, वो तो है ही है, एक मेंटल लेवल पे भी है कि इफ समबडी वांट्स टू डू दैट, आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को, उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर में, उनको सिर्फ कुछ बटन दबाने हैं, और बटन दबाने के बाद में अपने दिमाग में जो वो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, तो उनको कैसे रोका जाएगा, कैसे रोकेंगे? उससे बड़ी कोई पावर चाहिए उनको रोकने के लिए? बल्कि रोका भी नहीं जा सकता, उस माइंड को जो इधर जा रहा है कोई और डायरेक्शन दी जा सकती है। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द माइंड। ये पावर इतनी बड़ी है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसकी डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है, माइंड की एनर्जी इसको कहीं और लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी पावर है जिसको डिजायर बोलते हैं, है डिजायर ही दोनों तरफ, अगर आप ध्यान से देखो जो भी मैंने अब तक कहा आज के सेशन में, है डिजायर ही, एक है कुछ पॉजिटिव करने का डिजायर, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर, कुछ बनने का डिजायर, कुछ करते रहने का डिजायर, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का डिजायर, और एक तरफ है अपनी एनर्जी इसको वेस्ट करने का डिजायर, मजे लेते रहने का। एक डिजायर है जो आपको नीचे ले जाएगा, आप धसते चले जाओगे, एक डिजायर है जो आपको ऊपर उठा देगा, आगे ले जाएगा, परे ले जाएगा। धीरे धीरे यही डिजायर आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगा, जो आज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, यहां पे कोई भी वो आदमी जिसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसका ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ जाने वाला है, और कहीं जा ही नहीं सकता, चाहे वो नशा हो, चाहे वो ये हो जिसकी मैंने अभी बात करी, जिस वर्ड को कहने में भी डर लगता है, सेक्स, वो हो, उसके अलावा और कहां जाएगा ध्यान? खाने के ऊपर जाएगा, खाने के ऊपर जाएगा। आज हमारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है? शादी में शादी के लिए कोई नहीं जाता, खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई उस शादी में खाना बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। ये सारी बातें हमको पता है अंदर तक, लेकिन जड़ क्या है? करने के लिए कुछ और है ही नहीं, तो क्या करें, खाने में मजे लेंगे ना, या तो करने के लिए और कोई ढंग का काम हो, कोई और मकसद हो जिंदगी में, कोई डिजायर हो उसको तो पूरा करें, है ही नहीं तो क्या करें, यही करो ना, खाओ पियो मस्त रहो। एनर्जीज कहां चली गई? खाने के ऊपर चली गई, क्योंकि खाने में मजा है। कौन कहता है खाने में मजा नहीं है? अरे बहुत मजा आता है, आपको जो फेवरेट खाना है वो आपके सामने आ जाए और खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, खाए जाओ खाए जाओ, उसके बाद में फर्क पड़ता है, उस दिन नहीं फर्क पड़ता। जिस आदमी की बॉडी ठीक काम नहीं कर रही उसका माइंड किसी भी हाल में ठीक काम कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यही बात बुद्ध ने भी कही थी आज से 2500 साल पहले, कि अगर हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है, शार्प रखना है, फोकस्ड रखना है, कंफ्यूजन्स को खत्म करना है, तो हमको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनर्जीज को सही डायरेक्शन देनी है, वो एनर्जी जो खाने पीने में जा रही है उसको लगाना है एक्सरसाइज में, उसको लगाना है खेलने में,
उसको लगाना है फिजिकली वर्कआउट करने में, कुछ करने में, अपने टेस्ट को धीरे धीरे बदलने में, वहां से हट करके ये जो मिर्च मसाले वाली है, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं तेल वाली और ये सब चीजें यहां से हटा करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऐसी ऐसी चीजों में। अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको तीन चीजें बताई, और क्या है जिसमें मजा आता है? नींद, आलस, सोने में बड़ा मजा आता है, सोते रहो, रिकॉर्ड बनाते रहो। नींद अगर आप लिमिट में लो तो बहुत बढ़िया है, अमृत है, और जरूरत से ज्यादा लो तो जहर, जहर है। और क्या है इसके अलावा? कॉमेडी। अब ये बात बड़ी अजीब लग रही है सुनने में, लेकिन ध्यान से समझना, बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सच है, बट मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है। आपने 2 घंटा लग करके पढ़ाई करी, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद में बैठ करके आप 15 मिनट के लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे बस कॉमेडी की तरफ ही घूमते रहो तो क्या होगा? व्हाट्सएप के ऊपर कॉमेडी जो, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, अरे ये बहुत बढ़िया है, अरे मजा आ गया, वाओ क्या बात है, ऊ ये वो। कॉमेडी है एक थके हुए माइंड को रिलैक्स करने का नाम, वो माइंड जो थका हुआ है उसको रिलैक्स करने के काम आती है कॉमेडी। बट इसी रिलैक्सेशन से अगर आप अटैच हो जाओ तो क्या होगा? बर्बाद कर देगी, समझो ये गोली के जैसी है जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने की गोलियां दी जाती हैं, उनके माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है। लाफ्टर भी ऐसी एक मेडिसिन है जो नेचुरल है, लेकिन वो भी खतरनाक है अगर जरूरत से ज्यादा आप उससे अटैच हो जाओ। अजीब लग रही है ना ये सारी बातें सुनने में, जो नॉर्मल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लोग क्या बोलते हैं, अरे हंसते खेलते रहो, की फर्क पैंदा है, भूल जाओ। भूलने से कुछ नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जड़ जो है वो वहीं की वहीं है। जड़ क्या है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो करना क्या है कि एक तरफ है मजा, एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये करना है या सिर्फ वो करना है, नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। अरे मैं भी मूवीज देखता हूं, मैं भी बहुत कॉमेडी शोज देखता हूं, मैं भी बहुत मजे करता हूं, अपनी जिंदगी को खुल करके जीता हूं, लेकिन साथ साथ में बैलेंस क्या है कि वो काम जो करना जरूरी है उसको करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। लोग मजा तो चाहते हैं लेकिन दर्द सहना नहीं चाहते, ये जड़ है हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की। चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं, बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको दर्द हो आपके माइंड को या आपकी बॉडी को, वो काम हम नहीं करना चाहते, और सक्सेस मिलेगी आपको वही काम करने से। तो क्या निकला आज के सेशन से, अगर मैं इसको समअप करूं एक लाइन के अंदर अंदर, कि इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी, इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से, अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो। यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको यह फैसला करना होगा भाई, और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, अरे इस पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या फैसला करोगे आप, किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है, जिस तक जाने में डर लग रहा है उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है, कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है,
सिर्फ एक लाइन कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है, अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई, सोचो बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू।